हेलो एवरीवन, वेलकम टू के ट्रैवल वी लॉग। हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और आप हमारे घर की हालत देख ही रहे हो कि किस तरीके से हमारे घर की हालत हो रखी है। कम से कम एक साल हो गया है इस घर को बंद हुए हुए और बहुत ज़्यादा गंदगी है, डस्ट से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। मतलब आप कंडीशन देख ही रहे हैं कि कितनी धूल मिट्टी यहाँ पे हो रखी है। मैं आपको सारे रूम्स का टूर कराती हूँ कि क्या क्या कंडीशन हो रखी है। पूरे गेट में मिट्टी की एक पूरी परत लगी हुई है ना। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, चाहे बेड हो हमारा, बेडशीट हो, सारा इतना गंदा हो रखा है। फर्श देखो, एक मोटी मोटी सी लेयर आपको यहाँ पे दिखेगी। तो हम लोगों ने क्या करा है, मैंने ऐसे गूगल में सर्च किया था तो मुझे RPS एक कंपनी मिली जो हाउसकीपिंग का काम करवाती है और सिक्योरिटी का भी इनका काम है। लेकिन तो मैंने उनके रिव्यूज़ देखे, वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने लेबर भेजी है, तो वो लेबर पहुंचने ही वाली होगी हमारे घर पे। उन्होंने मुझे बोला मुझे 20 मिनट्स का टाइम दीजिए और आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग जब आए तो बहुत अच्छा हमारा घर हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी गारंटी ली है। मैंने उनको बता दिया कि इतना इतना टाइम हो गया हमारे घर को बंद हुए हुए और जिस तरीके की घर अभी कंडीशन देख ही रहे हैं कि हर तरफ जाले हैं, धूल मिट्टी फैली हुई है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। तो हमने उनको बोला कि इतनी गंदगी है तो क्या वो इतनी जल्दी हमारा मतलब घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि डीप क्लीनिंग का ही उनका काम है, वो बहुत अच्छे से मतलब इवन हॉस्पिटल्स बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके क्लीनिंग करवाते हैं। ये तो हमारा घर है, तो हमारा 4 BHK है, तो उन्होंने बोला है कि वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। तो देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग आएँ और बहुत अच्छी सर्विस हमें दें। घर की कुछ इस तरीके की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से ये बंद है। तो धूल बहुत ज़्यादा है, सारे जाले हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप देख ही रहे हो कि घर कितना ज़्यादा गंदा है। मतलब एक तो 6 महीने से, 1 महीने से भी अगर घर बंद हो ना तो इतनी गंदगी हो ही जाती है। अब देखो बालकनी का क्या हाल है। तो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि किस तरीके का ये हमारा घर किस तरीके से बंद था और कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो चुकी है। बालकनी का हाल देखिए कितना गंदा है, और ये इसकी छत है, बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं, डस्ट है, गंदगी है, कूड़ा है, बहुत सा ऐसे ऐसा गंदा है। तो हमने बुलाए हैं, लेबर बुलाया है हम लोगों ने इसको सफाई क्लीन कराने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको पूरा घर का दिखा देती हूँ कि घर किस कंडीशन में है और उसके बाद घर कितना चेंज होता है उनकी क्लीनिंग के बाद, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी काम था तो वो हम लोगों ने करवा लिया। एक्चुअली लाइट चल नहीं रही थी तो वो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी पूरा क्लीन करवाना है हमें घर, ताकि वो रहने लायक बन जाए जितने दिन हम लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा है, इसे खुद क्लीन करना तो इम्पॉसिबल है, तबीयत ही ख़राब हो जाती है हम लोगों की। तो ये बाथरूम की कंडीशन इस तरीके की हो रखी है, इसको माय गॉड कैसा घर हुआ करता था ना हमारा ये, और आज इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है। मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है, उसके बाद अपने घर को इस कंडीशन में देखना इतना बुरा लगता है। सीरियसली हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने 20 मिनट्स का ही टाइम दिया था कि हम 20 मिनट्स में हम लोग लेबर भेज देंगे क्लीनिंग के लिए। आई होप वो लोग अच्छा काम करें और अच्छे से हमें अपना घर पहले जैसा लगे। क्यों
हाँ यार, मतलब पहले जैसे तो पता नहीं, लेकिन इस लायक हो जाए कि हम लोग स्टे कर पाए जितने दिन है, और शायद अगली बार आए तो उससे थोड़ा बेटर कंडीशन में उनको मिलेगा। हाँ, तो एक बार क्लीनिंग करवाना तो जरूरी था, बहुत जरूरी है यार, एक क्लीनिंग करवाना सीरियसली बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये लोग आ गए हैं, क्लीनिंग के लिए लेबर्स आ चुकी है और वो लोग अपने काम में लग गए हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने हम लोगों ने कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया, वो सब लोग अपना सामान लेकर आए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि हमें कम से कम सिर्फ झाड़ू की उनको ज़रूरत पड़ेगी, झाड़ू और थोड़ा डस्टिंग के लिए कुछ कपड़े उन्हें चाहिए, बाकी जो भी मटेरियल या सामान रहेगा केमिकल वगैरह कुछ भी वो सब उन्हीं का रहेगा। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, तो आई होप, मुझे देख के एकदम बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि कैसे इतना मतलब जल्दी ये काम कंप्लीट करेंगे। उन्होंने बोला है कि कम से कम 2 आवर्स का टाइम उनको लगेगा क्लीनिंग करने में, तो देखते हैं 2 आवर्स में कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। और जैसा भी है, इस कंपनी का मैं पूरा इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, फ़ोन नंबर्स भी दे दूंगी। तो चलिए मैं आपकी बात कराती हूँ उदित जी से, जो जिनकी ये कंपनी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। यस मैम, बिल्कुल मैम। एक अपना हाउसकीपिंग हो गया, एक अनलोडिंग लोडिंग स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, ये सारी सर्विसेज देते हैं। पर अभी अपने जयपुर में कम से कम 15 हॉस्पिटल्स हैं और सिक्योरिटी में कम से कम 300-400 गार्ड लगे हुए हैं। तो मतलब आप लेबर प्रोवाइड करवा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, यस मैम। तो चलिए देखते हैं, आपका एक वाला गारंटी तो दी है आपने ना कि बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी। हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही ये लिया है, है ना, ये सर्विस हम फर्स्ट टाइम ही ले रहे हैं। देखते हैं कि इनका काम कैसा रहता है, और बाकी जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। हाँ, तो आप कहाँ कहाँ पे सर्विस देते हैं? आप पूरे जयपुर में ही सर्विस देते हैं या फिर बाहर भी देते हैं? आउट ऑफ जयपुर भी देते हैं और राजस्थान देते हैं। अच्छा, अभी अपना यूपी पे भी चालू किया है, आगरा को शिफ्ट किया है, अभी अपने आगरा में ही सर्विस है। अभी जयपुर में अपने ऑलरेडी 10-15 हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ब्लिंकिट है, हेल्पर सर्विसेज भी देते हैं अपन, सिक्योरिटी। अच्छा, तो मतलब आप हेल्पर्स प्रोवाइड करवाते हो? हेल्पर्स भी देते हैं। तो सामान वगैरह सब आप ही का रहता है? नो मैम, मैम हम क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ऐसे अपने। क्या कहते हैं, मतलब सोसाइटी वगैरह का भी बिल्कुल मैम, अभी अपनी केंद्रीय विद्या सोसाइटी चल रही है, समृद्धि सोसाइटी चल रही है, ज्ञान विहार कॉलेज के पास आस पास न्यू फ्लैट बन रहे हैं, उसमें सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट है अपना, फ्लैट फ्लैट वाइज सफाई करते हैं। अच्छा, हाउसकीपिंग का काम करते हैं मतलब, है ना। ओके, भैया पहले ये कर लो, नाश्ता कर लो, थोड़ा सा चाय वगैरह ले लीजिए। आदि कहाँ रखो भैया? उस वाले कमरे में रख दूँ? हाँ, उस वाले कमरे में रख दूँ। ये सब हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, इसके ऊपर भी साफ करा। मैंने चौक ये कुछ काम किए हैं।
रख ले मंदिर में। अब आप देख सकते हो कि रूम कितना क्लीन हो गया है, अब रहने लायक हो गया है घर हमारा। उन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ सफाई करी। अभी कर्टेन वगैरह नहीं है, अगर कर्टेन्स वगैरह लग जाएंगे तो रूम और भी सुंदर लगेगा। ये सारा सामान हम जो लेकर आए हैं वो सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया है। बहुत अच्छे से वो क्लीन करके गए हैं, विंडोज़ वगैरह वगैरह सब कुछ। अब आप देख सकते हो, मैं बाहर दिखाती हूँ कि बालकनी कैसी हो रखी थी हम लोगों की, तो बहुत अच्छे से पूरी साफ हो गई है। ऊपर पूरे जाले हो रखे थे, पूरा क्लीन हो गया है। और ये रूम सब कुछ क्लीन हो गया है। आपको याद है? अभी थोड़ा सा हमारा जो घर है वो वैसे ही हो रखा है, क्योंकि अभी पूरा ढंग से बस क्लीन ही हुआ है। उसको मैंने अच्छे से डेवो नहीं करा है, समेटा नहीं है। तो लेकिन जितना वो आपको धूल धूल दिख रही थी, सारे काले हो रखे थे, इतनी सारी मिट्टी की लेयर थी वो सारी हट चुकी है। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस कंपनी की डिटेल्स चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सारे डिटेल्स। ये काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत हाउस क्लीन बहुत अच्छे से किया, और जो उनके एम्प्लॉयज़ आए थे वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा था। कम से कम एक साल हो गया होगा इस घर को बंद हुए हुए, लेकिन हमें उनकी सर्विस बहुत पसंद आई। और आप जैसे कि वीडियो में देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी थी और किस हिसाब से घर ये हो गया है। अभी जैसे डेकोर नहीं करा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ अभी सिर्फ घर क्लीन ही हुआ है और हम भी कुछ टाइम के लिए ही आए हैं यहाँ पर। तो इतना हम लोग बहुत अच्छे से अभी नहीं कर रहे हैं कि कर्टेंस लगा दें, ये सारी चीज़ें चेंज करें या उसको डेकोर करें। तो घर जो है रहने लायक बहुत अच्छे से उन्होंने बना दिया है। तो आई होप 2-3 महीने बाद जब हम लोग विज़िट करेंगे तो घर इतना थोड़ा हमें साफ़ मिलेगा ही, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सारी डिटेल्स इनकी मेंशन कर दूंगी, और नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे हमें मौका जैसे अगर होता है तो मैं इन्हीं को ही बुलाऊँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप लोगों को चाहिए तो सब कुछ आपको डिटेल्स, इनके फ़ोन नंबर्स, इनकी कंपनी का एड्रेस वगैरह मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास आपको मिलती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।